आइए चैप्टर फोर में एग्जाम्पल सेकेंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट द फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। अब हम भी क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लाएंगे, फिर हम चेक कर पाएंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेट इज एक्स से टू एक्स को मल्टीप्लाई करने पे टू एक्स स्क्वायर और एक्स से थ्री को मल्टीप्लाई करने पे प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अपोजिट साइड लाने पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स माइनस वन, वन को अनदर साइड लाने पर साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, डेट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।